गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। तो थोड़ी डिफरेंट गाड़ी है, शायद स्विफ्ट पहली बार ही हमें मेरे चैनल पे आ रहा है। इससे पहले कभी स्विफ्ट का रिव्यू नहीं हुआ है। तो हमारे जो हरीश भाई हैं उनसे बात हुई थी, बीच में इनको थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे थे सर्विसेज से वगैरह, और इनका RC 6 महीने बाद मिला है यार। स्विफ्ट है और इन्होंने 8 महीने पहले ली है और 700 अभी तक आपने ड्राइव कर लिया है ना। तो जो 10,700 का पूरा जो 10 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? बस इसका स्टार्टिंग में तो बहुत बेकार था, फिर भी थोड़ा आदत हो रही है। तो बेकार में मतलब क्या क्या इश्यूज आए? तो पहले तो मैंने ये गाड़ी जब ली थी तो इन्होंने बोला था कि 1 महीने में आपकी RC मिल जाएगी। मैंने गुड़गांव से ये गाड़ी ली थी बट उन्होंने 6 महीने निकाल दिए। छः महीने क्या कर रहे थे? अंडा दे रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग। और मेरी जो है टेम्प्रेरी नंबर भी एक्सपायर हो गया था 1 महीने का। तो बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो बहुत अभी तक का एक्सपीरियंस आपका 10,700 का और 10 महीने का कैसा है? आप गाड़ी लेके आप खुश हो? खुश भी हूँ और नहीं भी। कई चीज़ें देखे तो ठीक भी है। तो पहले बात करते हैं खुश, क्या क्या चीज़ें आपको खुश करती है इस गाड़ी में? एक तो इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। कितनी दे रही है ये? मुझे हाईवे पे जाता हूँ तो मैं 21 की मीटर में दिखा देती है। अच्छा हाँ, 21, और 21, इस पे होते हैं जैसे मार्केट वगैरह में होते हैं तो 17-18। सच में? अच्छा, मार्केट में विद ट्रैफिक 17-18 अगर मैं चलाता हूँ 17-18 मीटर में दिखाती है मुझे। एक्चुअल का तो मतलब पता नहीं है वैसे ज्यादा क्या डिफरेंस होगा। हाँ, एक दो का डिफरेंस होगा। हाँ, फिर भी अच्छा है। ये जो 17-18 विदेशी है विदाउट AC है? मैं AC चलाता हूँ इसका। गर्मी होती है तो मैं खूब AC चलाता हूँ। अच्छा, ये मिक्स है AC और विदाउट AC। हाँ। और क्या क्या चीज़ें आपको खुश करती है इस गाड़ी का? जो मुझे खुश करती है इसके लुक मुझे अच्छे लगते हैं। लुक तो अच्छा है, नो डाउट। जैसे अगर इसको मॉडिफाई वगैरह करवाने की सोचते हैं तो अच्छा है। इन्होंने मिनी कूपर का डिजाइन ले रखा है। हाँ। तो लुक तो इसका बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा। और मैंने इसीलिए सोच के ली थी मैं मॉडिफाई करवाऊंगा इसको लेने के बाद। बस मारुति है कोई कम देखो ये मारुति है, मतलब एक ब्रांड वैल्यू दिमाग में रहता है। क्योंकि यार होता ही है, कोई भी जो गाड़ी लेगा तो सबसे पहले ये होता है कि मारुति इतने सालों से चले आ रही है। हाँ, हाँ। एक ब्रांड वैल्यू दिमाग में छप जाता है तो हाँ मारुति है, समझ लिया है वगैरह वगैरह। और जैसे कि भाई अगर बेचने लगे तो स्विफ्ट को लेने से कोई भी मना नहीं करेगा। मेरे को ये गाड़ी नहीं चाहिए। सब को किसी को भी बोलेंगे तो बोलेगा कि हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूं, बस पैसे का वो करो इसका। मतलब पैसे इसके ज्यादा टूटते नहीं है, टूटते नहीं जैसे और गाड़ी हो गई। अच्छा, ये सारे रीजन से आपने, आप एक बार बताओ ना कि जब भी आपने गाड़ी ली थी तो कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी थी? Altroz और i10। Altroz देखी थी, i10 बस ये देखी थी। हाँ। यानी स्विफ्ट, Altroz, i10 तीनों गाड़ी देखी थी। और कोई गाड़ी आपके दिमाग में नहीं? नहीं, और कोई गाड़ी नहीं। तो i10 की छोड़ी? i10 बस किसी ने मेरा मन उतार दिया था, उसने पहले i10 ले रखी थी तो उसका इंजन बैठता रहता है बहुत बार तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं तो i10 भी मेरा लेने का बहुत मन था। अच्छा, ग्रैंड i10 की बात कर रहे हो? नहीं, i10 नियोस। हाँ। अच्छा, नियोस लेने का? हाँ, नियोस लेने का। चलाई आपने नियोस? अच्छी चलने में अच्छी है। बट उन्होंने मेरा वो पहले उन्होंने ले रखी थी, उन्होंने मेरा मन उतार दिया कि भाई ये मत लेना ये वो, तो फिर थोड़ा माइंड वो हो जाता है ना। होता ही है यार, बिल्कुल, ये सब माइंड का तो गेम है। अगर उनको इश्यू आया है तो पता होगा यार इसका इंजन बैटरी वगैरह, तो आपने Altroz फिर आपने Altroz का ये था कि भाई मारुति की इसकी टाटा की गाड़ी थोड़ी ज्यादा। वो भी आपके दोस्तों ने बताया होगा? हाँ, वो दोस्तों ने ही मेरा मन उतार दिया कि नहीं टाटा की गाड़ी मत लेना, 2-3 साल चलाने के बाद पछताएगा। 2-3 साल से ज्यादा इनकी एज नहीं होती टाटा की वगैरह, ऐसा मेरा मन। कौन है वो दोस्त? कहाँ से आते ऐसे दोस्त? तो और एक यार दोस्त ने बस ये ऐसा कह दिया कि बस नहीं, मैं बताऊं हरीश भाई, अगर ये गाड़ी चला रहे हो ना Altroz चलाते तो आपको लगता है कि ये गाड़ी बेटर है चलने में। ऑब्वियसली नियोस अच्छी है, स्विफ्ट अच्छी है, Altroz में थोड़ा लैग मिलता है। हाँ, और थोड़ा ना जो अगर Altroz के थोड़े गेट वगैरह भी लगाते हैं तो ऐसा लगता है। हाँ भाई, नहीं वो तो है। एक बार सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जब आपने गाड़ी सब ली थी ना तो आपको सेफ्टी के बारे में पता था? जी, मुझे सेफ्टी पता था। फिर भी आपने कंप्रोमाइज़ किया? फिर भी मैंने कंप्रोमाइज़ किया। मैंने सोचा कि मगर अगर कुछ ऐसा लगेगा बाद में फील होगा, एक चला के देख लेते हैं, अगर हुआ तो चेंज कर देंगे, दूसरी ले लेंगे। जैसे आपने बोला कि इसका ज्यादा टूट नहीं है तो पैसे भी अच्छे। हाँ हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मगर बेच देंगे स्विफ्ट तो बिक जाएगी आसानी से। कोई नहीं मना करेगा तो मैं दूसरी ले लेंगे। कोई
जो 10,700 पूरा आपने चलाया है ना हरीश जी, भाई जी, तो उसमें सिर्फ सिटी में चली है कहीं आपने ट्रिप भी किया है? मैंने लद्दाख तो नहीं ले गया ना? नहीं, लद्दाख तो नहीं ले गया मैं, राजस्थान गया हूँ। अच्छा, जयपुर वगैरह, खाटू, श्याम जाते रहते हैं, अभी भी जाऊँगा मैं होली के पास। परफॉर्मेंस कैसा है इसका? किस चीज का? हाईवे पे जब गाड़ी चलती है, हाँ, तो हाईवे पे तो पावर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्की हाँ। गाड़ी, इंजन इसका सुपर्ब है, मतलब बस पैर रखो और गाड़ी आ जाएगी। मैंने चढ़ जाती है, बहुत जल्दी चढ़ती है क्योंकि वो है ना, पावर ज्यादा है और बॉडी इसकी हल्की है। जो पावर और जो वेट का रेशियो है ना, तो पावर है और वेट कम है, तो उसका रेशियो गाड़ी को और पेपी बना देता है, इसलिए भागती बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। तो फ्यूचर में क्या मॉडिफिकेशन कराने का प्लान कर रहे हो आप? हाँ, मैं इसमें एक अलॉय डलवाने का प्लान कर रहा हूँ। बस अलॉय और कुछ करवाना? अलॉय और एक इसकी स्क्रीन है ना, ये थोड़ी आउटडेटेड लगती है। हाँ, थोड़ा आउटडेट, मैंने देखा था। हाँ, तो वो ये भी बहुत बुरा लगता है ऐसा। थोड़ा आउटडेटेड है जी, पुराना सा लगता है। और अंदर इंटीरियर क्वालिटी वगैरह सब ठीक लगता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये ऐसा लगता है कि जैसे टच है, बट लगाते हो ना फिर ये अच्छी नहीं लगती। हाँ। लगता कि इसकी चाबी ये भी अच्छी नहीं लगती, बहुत आउटडेटेड है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। इतने पैसे ले रहे हो अगर आप, तो कम से कम चाबी तो अच्छी दो। हाँ। जब गाड़ी आप चलाते हो ना, 10,700 चला ली है जी, कोई अंदर खटर पटर रैटलिंग का आवाज आता है? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत है, बढ़िया चल रही है जी। सस्पेंशन वगैरह आपको कैसे लगते हैं? सस्पेंशन ओके है इसका, ओके है इसका, ओके। इसकी मैं तो इसमें बहुत सारा सामान डाल के भी लेके आ रहा हूँ, सीट फोल्ड करके फुल ठोक दी थी मैंने, इसमें ऐसा कुछ फील नहीं होता। और इसका जो स्टीयरिंग का जो फीडबैक वगैरह आपको सही लगता है? हाँ, स्टीयरिंग इसका थोड़ा हार्ड हो गया था बीच में, बट ये फिर आपने जो बताया था, हाँ, कह रहे थे वो बिल्कुल स्लो में भी और फास्ट में भी हार्ड ही रहता था। बिल्कुल हार्ड हो गया था, वो ऐसे जोर लगाना पड़ता था, जैसे ट्रक में घुमाते हैं। अब तो ट्रक में भी आ रखे हैं पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग वगैरह बिल्कुल जैसे पुराने आइसर होते थे ना, वैसा हो गया था ये बिल्कुल। तो फिर कैसे डिसॉल्व हुआ? तो फिर मैंने कंपनी से ही करवाया, अब थोड़ा फर्क है, उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा, बट मैं टाइम सर्विस करवाता रहता हूँ, इतना हार्ड भी यूज नहीं करता। जब इशू आया था आपको तो कितने, मतलब एक ही बार में ठीक हो गया था? नहीं नहीं, पहले तो बोलने लगे थे कि आप सर्विस पे आ जाना, ये वगैरह बहाने बनाने लगे थे, फिर मैंने कंप्लेंट वगैरह डाली। फिर हाँ यार, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो वैसे ही थोड़ी चलाएगा। हाँ, तो सर्विस तक थोड़ी ना कि उसको चलाते रहेंगे, अगर इश्यू तो साथ के साथ वो करो, बट अब इतना कुछ है नहीं मारुति का जितना पहले वो होता था। तो है, ये जो सर्विस आपने ना अभी तक कितनी सर्विस, दो सर्विस हो गई? दो सर्विस, 10,700 तो फ्री हुए होंगे। हाँ, उसमें बस ऐसा ही छोटे मोटे 100-200 रुपए, 200 रुपए, हाँ, किसी चीज के ले लिए बस। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर्विस का ठीक है, वहाँ पे एक्सपीरियंस जाते हैं तो ठीक है। आपने कभी सुना है कि, मैंने बहुतों के मुझसे सुन लिया यार, जब गाड़ी अगर 3-4 साल हो जाती है तो उसके बाद सर्विस चार्ज ये लोग बहुत ज्यादा देना शुरू कर रहे हैं? हाँ, ये मैंने भी सुना है, मेरे दोस्त के पास है गाड़ी, कौन सी की? ऑल्टो 800। अच्छा, उसका शायद 2018 मॉडल है, तो उसकी CNG में है जो गाड़ी, उसके अभी 6,000 कुछ समथिंग मांग रहे थे वो सर्विस के लिए। अब इन्होंने ये कर दिया कि जो डीजल की सर्विस होती थी ना, वो पेट्रोल में कर दिए हैं। हाँ, उतना रेट जैसे 7,000-8,000 से पहले जो मारुति की डीजल गाड़ियाँ होती थी उनकी हो जाती थी इतने में सर्विस। हाँ। अब इन्होंने पेट्रोल की कर रखी है, इतनी बढ़ा रखा इन्होंने प्राइस काफ़ी। लेकिन याद रखना है यार, जो भी मारुति, अगर कोई मारुति ये सोच के ले रहा है कि सर्विस कम है और उसे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम चला गया। हाँ, वो टाइम चला गया। और दूसरा ये भी पॉइंट मैटर करता है ना, जो एडवाइजर कह रहा है सब करा लोगे तो महंगा पड़ेगा, उसमें जो जो जरूरी है ना वही चीजें पिक करा के कराइए तभी आपको। एक्स्ट्रा चीजें वो जोड़ देते हैं, आपको पता भी नहीं होता। वो तो ये भी जोड़ देगा, मैंने यहाँ खुजाया उसका 100 रुपए जोड़ देता, कुछ कुछ जोड़ देते हैं उसमें, समझ ही नहीं आता बंदे को कि ये जरूरी भी है। अगर कोई फर्स्ट टाइम वाला है तो उसको समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो एक बार ये बताओ ना, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं। हाँ। लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, और अब इन्होंने मारुति ने क्या किया, जो बलिनो निकाली है। हाँ। सब कह रहे हैं कि उसके दरवाजे वगैरह थोड़े अच्छे हुए हैं, बोनेट वगैरह अच्छे हुए हैं, तो ये अब कोशिश कर रही है मारुति जी, वो एक अच्छा साइन है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्या कोई भी हो यार, मैं हूँ, हमारे विशाल भाई हैं या आप हो, जो भी कोई गाड़ी ले रहा था वो तो यही चाहेगा कि यार गाड़ी थोड़ी सेफ मिले हमें, अच्छी मिले ना, तो वो अगर टाटा कम प्राइस में भी कर रही है तो इनको भी तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ये देखो ना, गाड़ी का डिजाइन, ऐसा डिजाइन आपको किसी गाड़ी में दिखा नहीं? दिखा, बहुत अच्छा डिजाइन गाड़ी का है, मिनी कूपर का लुक है,
इसीलिए बिकती भी है। अगर इसी में ये लोग थोड़ा अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। अगर इसी में कर दे अभी भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पे ही रहती है तो ये बिल्कुल अगर इसको तो कुछ नहीं पाएगा, फिर कोई छू ही नहीं पाएगा, मैनेज मिल रहा सब कुछ हो रहा, फिर तो इसको टच ही नहीं कर पाएगा। अगर कोई बंदा ये को पता है कि इसको जीरो रेटिंग मिल रही है और फिर भी ले रहा है तो रीजन तो होगा, रीजन तो होगा कुछ ना कुछ। बहुत पॉइंट वाली बात है, इसमें सीएनजी लगी हुई नहीं आती, फिर भी कितना प्राइस हाइक हो गया था पेट्रोल का, 115-120 तक हो गया, फिर भी बंदे लेके आ रहे थे स्विफ्ट। नहीं नहीं देख रहा था मैं, रोड पे निकली हुई है, फिर भी कुछ तो बात होगी स्विफ्ट ले रहे। तो यही तो उन्होंने क्या करके ना मार्केट वैल्यू बना के रखा होगा है, और हर चीज है तो एक लोगों का ना भरोसा बना हुआ मारुति पे है ना। लेकिन क्या ये भरोसा कायम रहेगा? ये मार्केट में हर किसी को सर्वाइव करने के लिए इम्प्रूवमेंट जरूरी होता है, तो इनको सर्वाइव करने के लिए जो ये काम आप कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं है ना, वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है बिल्कुल। अब इनका अगर ये सब चलते रहा, इम्प्रूवमेंट होते रहे, सेफ्टी भी निकाल लें, हर चीज़ बढ़िया के साथ, तो इनको फिर नंबर वन से कोई पीछे करें। अगर बंदा भरोसा कर रहा है मारुति पे तो उनको भी काम करना चाहिए भरोसे पे, बंदे की सेफ्टी भी देखनी चाहिए कि इतने पैसे ले रहे हो आप। अगर ये तीन चार गाड़ियाँ मार्केट में हैं, स्विफ्ट है, नियोस है और तुम्हारा पंच हो गया और अल्ट्रोज हो गया, तो इतना मार्केट में होते हुए, क्योंकि स्विफ्ट तो बहुत पहले से राज कर रही है जी है ना, अभी भी बिक रही है, लेकिन थोड़ी जो फ्लॉज है वो तो है, वो उनको मारुति को करना है। तो उन सब को लेके अगर कोई अभी भी ये गाड़ी खरीदने की सोच रहा है ठीक है, तो क्या उसे कंसिडर करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, तो आप ही के लिए बस मैंने ले ली, तभी तो मैं मना कर रहा हूँ। कोई बंदा नया लेगा वो बाद में पछताएगा, तो उससे अच्छा है कि पहले ही। तो एक बात बताइए, सपोज आपने बोला कि एक सिर्फ सेफ्टी की वजह से नहीं बोला है ना आपने जी, जी। अगर ये गाड़ी तो कई बहुत बार फील होता है ना, बहुत बार फील होता है। अच्छा, जब आप चलाते हैं। हाँ, जैसे चलाते हैं हाईवे वगैरह पे चलाते हैं तो फील तो होता है ना बहुत बार कि भाई अगर कुछ हो गया तो वो बाद में फील होता है। हाईवे पे तो आपकी गाड़ी 100 से ऊपर ही चलती है, तो थोड़ा सा वो डर बैठा रहता है। जैसे केएमपी वगैरह पे जाते हैं वहाँ पे 120 की स्पीड है, तो आपका मन करेगा तो थोड़ा बहुत सोचते तो भगा तो लेते हैं, बट फिर भी सोचते हैं कि भाई अगर कुछ हो गया बाई चांस तो मतलब है नहीं इसमें। रहे हो कि चलो इसमें सेफ्टी का नहीं है, अगर और पॉइंट्स हम देखें जिसका गाड़ी का आपने बताया पहले ही, इंजन बहुत अच्छा है, गाड़ी बिल्कुल ऐसे रॉकेट की तरह भागती है, ये सब चीजें देखने के बाद क्या फिर भी वो कंप्रोमाइज कर सकता है सेफ्टी में, या फिर उसको रुकना चाहिए जब तक कि मारुति को सेफ कार निकाल ले स्विफ्ट में? बिल्कुल ऐसा अगर मारुति कर देती है तो बहुत अच्छा होगा फिर तो, बट अभी अगर लेने की सोच रहे मेरे हिसाब से और बहुत गाड़ी है वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने सोच के ली थी कि भाई मारुति की सर्विस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबकी सेम है सर्विस वगैरह, बाद में तो थोड़ा बहुत है। आपको जो दोस्त है ना आपके जिन्होंने गलत सलाह दी तो जिन्होंने बोला था कि मेरे ख्याल से नियोस वगैरह इंजन बैठ जाता है, सभी के साथ नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत गाड़ियों में शायद एक दो स्टोरी सुनी होगी, और टाटा के पीछे तो पड़ गया था कि यार ये गाड़ी चलती नहीं है, चलती नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कई साल पहले ली थी, उसी ने बताया था मेरे को, उसके बहुत पैसे लगे थे, पता नहीं उसने कौन सी गाड़ी ली थी टाटा की, मेरा नाम याद नहीं, इंडिका वगैरह या फिर बोल्ट वगैरह होगा, पता नहीं कौन सी थी, हाँ बोल्ट वगैरह शायद होगी, तो उसके पैसे काफी लग गए थे उसमें, हाँ और वो बिक भी नहीं रही थी, जैसे प्राइस उसका काफी डाउन हो गया, हाँ डाउन हो गया था, तो उसका एक्सपीरियंस खराब था। तो एक दोस्त ने नेक्सॉन भी ली थी, उसको भी टोकता रहता था बार बार, जब भी कहीं जाते थे नेक्सॉन में बैठ के, अच्छा उसे नेक्सॉन ले ली थी उसके बाद भी टोकता था, हाँ उसको टोकता रहता था। उसकी नेक्सॉन कैसी चल रही है? उसकी अच्छी चल रही है, बट उसके ना जैसे मारुति में दो टायर आप ना 50,000 किलोमीटर चला दो, मारुति का टायर घिसते नहीं है, उसके अभी 25,000 किलोमीटर पे उसने चेंज करवाए हैं। क्यों घिसके उसके टायर? अरे भाई अभी टायर मांग रहे हो, बोल रहा था मुझे। अच्छा कि चलाता खतरनाक तो नहीं है? बिल्कुल भयानक चलाता होगा, भयानक चलाता होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी टायर है ना कम से कम 40-50 चल जाते हैं आजकल, चाहे ये हो चाहे वो, 40-50 चलते चलते हैं। इसका इंटीरियर वगैरह कैसा लगता है आपको? इंटीरियर और बाकी तो सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है, बस ये इसकी जो स्क्रीन है ना ये अच्छी नहीं लगती, हाँ वो चेंज करवाने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने एल्ट्रोज देखी थी कई बार, मैं सोचता भी हूँ कि मैं एल्ट्रोज ले लेता अच्छा रहता। अभी चलाई नहीं है ना अभी तक? नहीं चलाई नहीं, मैंने वैसे देखा है लुक उसका, चलाने में तो आपको लगेगा इससे ये तो बेटर है। हाँ हाँ, नियोस और ये तो चलती अच्छी है, अल्ट्रोज में आपको थोड़ा कम लगेगा, वेट भी ज़्यादा वगैरह, बट उसका थोड़ा पिकअप बोलते हैं कि एल्ट्रोज का इतना
पिकअप नहीं है एकदम से, नहीं बिल्कुल इसके तो बिल्कुल एकदम उठती है ना। हाँ हाँ, लेकिन तीसरे चौथे वाले हाईवे पे ना बहुत अच्छा फील आता है उसमें, इसमें वो फील नहीं हुआ, लेकिन शुरू में फर्स्ट सेकंड में तो बहुत गोली। हाँ ये बिल्कुल ना बस गोली की तरह जाती है। राइट, थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू सो मच यार। होप कि ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया ना आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको लगा है हेल्पफुल है, आपको हेल्प हुई है, तो हरीश भाई को थम्स अप कीजिएगा और उनका शुक्रिया कीजिएगा। आपको भी शेयर करना अपना ओपिनियन, खट्टा मीठा बुरा, जो नीचे ईमेल देखा है उस पर आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा मजा ही आया देखने में, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। इन्जॉय कीजिए यार, लोगों की बातें सुनिए, इन्जॉय कीजिए, जिसको गाड़ी लेनी है उसको हेल्प होगी। तो यही मेरा मैसेज है, आपसे दोबारा मिलता है ऐसे किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सेल्फ बी हम्बल, फ्लाइट एंड बाय।